धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बॉलीवुड का ये सुपरहिट सॉन्ग सुनाई दे और हमारे जहन में बॉलीवुड फिल्मों में आशिकों की आशिकी की मिसाल बनकर उभरे अभिनेता राहुल रॉय का नाम ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है, जिन्होंने अपने अभिनय करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाते हुए दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया और खुद का नाम चमकते सितारों की लिस्ट में शुमार करवाया है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता राहुल रॉय के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से ये एक सुपरस्टार बने। आज की हमारी इस वीडियो में ना हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, वो भी अभिनेता राहुल रॉय की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं ना, तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड को ढेर सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाज कर खुद को एक सक्सेसफुल अभिनेता के तौर पर स्थापित करने वाले अभिनेता राहुल रॉय आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनके परिवार के इतिहास की, तो इनके परिवार का इतिहास शुरू होता है ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इनके पिता दीपक राय के घर से, जिन्हें लाइमलाइट में रहना तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था। वे दिल्ली के एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं, जो अपने बिजनेस में काफी सफलता भी हासिल कर चुके थे और इसी दौरान इन्होंने अपनी जीवन संगिनी के तौर पर इंदिरा राय को चुना था। आपको बता दें दोस्तों कि इंदिरा रॉय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की फेमस राइटर रही हैं। दीपक और इंदिरा रॉय दोनों ही अपने अपने फील्ड में काफी कामयाब थे और इस शादी से दोनों ही दो जुड़वा बच्चों के दंपति बने थे, जिनका नाम राहुल और रोहित रॉय रखा गया। राहुल रॉय के पेरेंट्स एक दूसरे से तभी तलाक लेकर अलग हो गए थे जब राहुल रॉय महज 11 साल के थे और इसी दौरान राहुल रॉय का उनके पिता द्वारा हिमाचल प्रदेश के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था, जहां से राहुल रॉय ने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी। वहीं इनके जुड़वा भाई रोहित रॉय ने राजधानी दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हुए अपने पापा के बिजनेस को संभाल लिया था। लेकिन जहां इस रॉय फैमिली में किसी ने भी फिल्म इंडस्ट्री को अपने करियर के तौर पर नहीं चुना था, तो वहीं राहुल रॉय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करते हुए बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत कर ली थी, जिसके कुछ समय बाद ही इन्हें साल 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में राहुल की मुख्य भूमिका के लिए कास्ट कर लिया गया था, जिसमें इन्होंने राहुल की भूमिका निभाते हुए हर एक लड़की को अपना दीवाना बनाया था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस फिल्म ने राहुल रॉय की काया को इस कदर पलट कर रख दिया था कि राहुल रॉय ने इस फिल्म के बाद 11 दिनों में ही 47 फिल्में साइन कर ली थी और उन्हें कई तरह की फिल्मों के ऑफर को भी ठुकराना पड़ा था। और इन्होंने आशिकी मूवी के बाद जुनून, सपने साजन के और जानम जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और खूब सारी लोकप्रियता हासिल की। वहीं इन्होंने साल 2011 में राहुल प्रोडक्शन कंपनी के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला और उसमें कई फिल्मों को निर्मित किया। इसके साथ साथ राहुल रॉय ने भारतीय राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया, जिन्होंने साल 2017 में बीजेपी की पार्टी का नेतृत्व करते हुए चुनाव भी लड़ा, लेकिन जल्द ही अपना हाथ राजनीति से पीछे खींच लिया, जिसके बाद इन्होंने एक बार फिर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया, जिसमें कैसे कहूं जैसे सीरियल के साथ साथ कई रियलिटी शोज भी शामिल हैं, जहां राहुल रॉय मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 1 के विनर भी साबित हुए और इसी के चलते इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को आज तक बरकरार रखा हुआ है, जिन्हें पिछले साल कैबरे और आथिन लाइन जैसी फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा जा चुका है, जिसके चलते आज ही किसी पहचान के तो मोहताज हैं ही नहीं। लेकिन दोस्तों बता दें कि जब राहुल रॉय अपने एक्टिंग करियर की सफल मुकाम पर थे, तब इनका नाम बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मनीषा कोइराला, पूजा भट्ट, सुमन रंगनाथन और राजलक्ष्मी आर रॉय जैसी कई खूबसूरत हसीनाओं के साथ जोड़ा गया था, जिनमें ये अशोका फेम एक्ट्रेस राजलक्ष्मी राय के साथ सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। लेकिन जिस राजलक्ष्मी अपने पहले पति समीर सोनी से तलाक ले चुकी थी, तभी राहुल और राजलक्ष्मी ने अपनी इस रिलेशनशिप को बरकरार रखते हुए 2 सालों के बाद साल 2000 में एक दूसरे के साथ शादी रचा ली थी। लेकिन शादी के 14 साल बाद ही दोनों के आपसी मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि दोनों को एक दूसरे से तलाक लेना पड़ा।
लेकिन इस तलाक के बाद राहुल रॉय का नाम तो सुपर मॉडल साधना सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनसे ये साल 2016 में एक फैशन इवेंट के जरिए मिले थे और इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे के बेहद क्लोज आने के बाद एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था और बस इसी के चलते इन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप को आज भी बरकरार रखा है। आज जब राहुल रॉय कारगिल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होने की वजह से मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट है, तब इस वक्त इनके इस दुख भरे सफर में साधना सिंह बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। वेल दोस्तों, आपको अभिनेता राहुल रॉय की फैमिली हिस्ट्री जानकर आखिरकार कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।